हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम जानेंगे रेलवे जेई का अपडेटेड वैकेंसी के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है, चलिए देख लेते हैं। तो नोटिस ये है कि द कैटेगरी वाइज वैकेंसी फर्निश्ड इन द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 3/2018 पब्लिश्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेटेड 29 December 2018 हैज बीन रिड्यूस्ड एज बिलो ड्यू टू रिविजन ऑफ वैकेंसी बाय द रेलवे। रेलवे जेई में जो पहले जो पोस्ट थे 14,033 पोस्ट, वो अब रिड्यूस होकर 13,487 हो गया है ड्यू टू रिविजन ऑफ वैकेंसी बाय द रेलवे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने वैकेंसी है। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर जो कैटेगरी है उसमें जो वैकेंसी है वो है 12,844। तो 12,844 पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर में है। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी है वो है 29 पोस्ट। तो कुल 29 पोस्ट जो है वो है जूनियर इंजीनियर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद जो डिपोर्ट मटेरियल सुपरटेंडेंट, तो डिपोर्ट मटेरियल सुपरटेंडेंट में जो वैकेंसी है वो है 227। तो 227 कोल पोस्ट जो वैकेंसी है वो है डिपोर्ट मटेरियल सुपरटेंडेंट में। और उसके बाद केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, तो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट में जो वैकेंसी है वो है 387। तो 387 पोस्ट वैकेंसी है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट में। तो कुल 13,487 वैकेंसी है जो कि रेलवे जेई में। और ऑफिशियल नोटिस में ये भी बताया गया है कि ये जो सीट्स है ये मे भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है टोटल इन स्पेसिफिक यूनिट कम्युनिटीज और पोस्ट एट ए लेटर स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, पहले जो कुल 14,033 पोस्ट थे वो रिड्यूस होकर 13,487 पोस्ट बन गए, और ये भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस में दिया गया है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट डिटेल ऑन जेई अपडेटेड वैकेंसी के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।